आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन ठीक है तो देखो चलो हुआ क्या एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज तीस रुपए का लेकिन तीन तरबूज सौ रुपए के ठीक है अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था काफी यंग था अपने आप को स्मार्ट समझता था वो रुक गया उसने बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं वो रुका उसने अंकल को पहले तीस रुपए दिए बोला अंकल एक तरबूज दे दो क्योंकि तीस रुपए का एक तरबूज था फिर उसने वापस तीस रुपए दिए बोला अंकल एक और तरबूज दे दो अंकल ने दे दिया फिर बोला अंकल एक बार और तीस रुपए लो और एक और तरबूज दे दो अंकल ने फिर दे दिया फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो मैंने आपसे तीन तरबूज नब्बे रुपए में खरीद लिए और आपने बोर्ड पे लिखा है तीन तरबूज सौ रुपए के अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा बंदा आपके बस की बात नहीं है इसे बंद कर दो घर जाओ अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है मुझे बड़ा मजा आया सुन के अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए तीन तरबूज खरीद देते <laughs> तो देखो मैं ना इसका कोई आपको ना तो यू नो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ कुछ नहीं मैंने आपको स्टोरी बताई आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा चैट में लिखो और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे ए टू मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा तो चैट में लिखना ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके थैंक यू